सैनिक लगातार जो है 120 दिन हो चुके हैं इनका लगातार नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप लोग पंजाब से नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, पहले भी आ चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार आप लोगों की जो मांगे हैं उसको नहीं सुन रही है। आपका नाम? मैं भोला सिंह, प्रधान सर्विसमैन वेलफेयर यूनियन पंजाब। तो मैडम, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो सोशल मीडिया हमारी खबर सबसे पहले पहुँचाती है। दूसरी बात, धरने को आज 120 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने हमारी आज तक कोई बात नहीं सुनी है, और ना ही कोई सरकारी अधिकारी आया है, ना ही कोई मंत्री आया है किसी ने कोई बात सुनने के लिए। इसलिए हम इस धरने को आगे बढ़ाएंगे। अगर धरना ज़्यादा देर चलाना पड़ा तो हम धरने को छोड़कर हम सड़कों के ऊपर रोष प्रदर्शन करेंगे, हर स्टेट के अंदर करेंगे। तो अगर नहीं हुआ तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठ दिल्ली में दिखाएंगे। क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठ दिल्ली में दिखाएंगे। अच्छा, अपनी मतलब प्रदर्शन में अपना वो दिखाएंगे, संख्या बल दिखाएंगे। तो सर, इस संख्या बल से सरकार पर प्रभाव पड़ेगा, आपको लगता है? पड़ेगा, सरकार को मालूम है। सरकार हर एक देखो मतदान से बनती है। उनको ऐसा होता है कि जितने आदमी सड़कों के ऊपर, मान लो यहाँ पर 50,000 आदमी आ गया तो कितनी वोट चलेगी इनकी, है ना? बस इसी चीज से अंतर पड़ेगा। और हमारे पास कोई हथियार तो है नहीं, हमारे पास एक वोट है। वोट अगर हम इनको ज्यादा मतलब इकट्ठ दिखाएंगे तो इसको इसके दिमाग के ऊपर भी असर पड़ेगा कि इतना लोग हमारी वोट खराब हो रही है ना? तो हम जल्दी देंगे तो जैसे आगे 2024 की चुनाव आ रही है, अगर हम यहीं पर बैठे रहेंगे हमारे जैसे पता नहीं और कितने होंगे जो सरकार के साथ गुस्से में है। सर, जवान जो है वो कहें तो बॉर्डर पर रहता है, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, हर समय अपनी जो है ड्यूटी को जो है वो बड़े ईमानदारी से पूरा करता है, लेकिन जब वो रिटायर्ड होकर आता है, जब उसका वो हक उसको मिलना चाहिए, क्यों सरकार नहीं देना चाह रही है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर कि वहाँ तो पूरी ड्यूटी कर आया है और आज वो सड़कों पर बैठा है? आज से नहीं मैडम, काम चल रहा है जब 1973 से चल रहा है हमारी पेंशन काम करने का। पहले हमारी पेंशन 75% थी, अभी देखो 50% रहेगी। अभी 50% को भी छोड़ो, अभी हमारी पेंशन बंद करने जा रही है सरकार। जैसे अभी अग्निवीर भर्ती किए हैं उनको सभी को पेंशन थोड़ी लागू होगी, उनमें से तो 25% ही रखेगी ना, बाकी 10% को बोलती है कि सरकार कहती है कि हम दूसरी किसी फोर्स में भेज देंगे। और 65% कहाँ जाएंगे? 65% कहाँ जाएंगे? कोई गैंगस्टर के साथ मिल जाएगा, कोई ब्लैक करेगा, लेकिन उसकी भी जिंदगी भी तो खराब हो जाएगी। जो 4 साल फौज के अंदर लगाता है, ना तो वो फौज के काम का होता है, ना वो सिविल के काम का होता है। मतलब ऐसा कर दिया कि ना घर का रहा ना घाट का। हाँ, हमारे जितने भी नौजवान पीढ़ी है उसको खराब करके रख दिया। लेकिन कह रहे नौकरी तो दे रहे हैं ना, नौकरी कहाँ देंगे? 65 आदमी तो नहीं देंगे ना, 100 के पीछे अगर 65% खाली घर को आगे 11 लाख रुपए आगे, तो वो पहले तो बात तो मोटरसाइकिल खरीदेगा, फिर मोटरसाइकिल के ऊपर घूमेगा, वो तो 2 महीने में 3 में उड़ा देगा 11 लाख। नई उम्र का लड़का अगर 20 साल का या 25 साल का घर में पहुंच गया, उड़ा देगा पैसे को, क्या वो बचत करेगा? क्या वो बिजनेसमैन बनेगा? जिसने राइफल चलाई हुई तो उसको बिजनेस के बारे में क्या मालूम है? तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? हम कहना चाहते हैं कि अब अग्निवीर भर्ती बंद करे, डायरेक्ट जैसे सीधी भर्ती पहले होती थी उसी तरह भर्ती करे, और हमारे हक हमें दिलवा दे। जैसे हमने जो अंगहीन पेंशन है, जिसको हम डिसेबिलिटी पेंशन है, MSP पेंशन है, जितनी भी हमारे अलाउंसेज हैं वो हमारे लागू कर दे, हम धरना उठा देंगे। नहीं तो फिर इसी तरह चलता रहेगा जैसे आपके सामने जो चल रहा है। आपको लगता है सरकार अभी 2024 में चुनाव आ रहे हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? सरकार के ऊपर पड़ेगा ही, जब हमें मतलब देखो ना दिया, हमारे ORP पूरी नहीं की, जितनी त्रुटि है पूरियां नहीं की, तो हम क्या वोट डालेंगे, है ना? तो आपके हम तो गुस्से में रहेंगे। लोग भी होंगे जो कि हमारे जैसे और पता नहीं कितने बैठे हैं देश के अंदर, आपके परिवार के भी काफी लोग होंगे, आपके एक के पीछे पांच लगा लो, एक 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 आदमी के पीछे पांच तो है ना मतदान करने, तो काफी संख्या में लोग हैं, तो देखो कहाँ जाएगा, लाखों का नुकसान, करोड़ों की गिनती में है, करोड़ों की गिनती में। हाँ,
3,57,000 रुपए। यानी कि आप लोग सरकार बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। नहीं, हम 66 के अंदर जा भी नहीं सकते और जाएंगे भी नहीं। नहीं, अगर चुनावों का बहिष्कार करते हैं आप लोग, हाँ? तो सरकार या तो बनेगी या गिरेगी। हाँ, अगर आपने सरकार ने आपकी सुनी तो आप उनका अगर हमारी इसी तरह चलती रही, एकता हमारी इसी तरह कायम रही, तो ऐसा हो सकता है। यानी कि नुकसान झेलना पड़ जाएगा। हाँ, सरकार को नुकसान झेलना पड़ेगा। आप कुछ कहेंगे? अगर हम लगाएं तो हमारा टोटल 45,00,000 एक्सेसर्स मैन है। अगर एक के पीछे अगर हम 10 वोट भी मांगते हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, सभी हैं, तो वो कितना बन जाएगा, मतलब नुकसान होगा। हाँ, नुकसान होगा। आपका नाम? मलकी सिंह मानसा से। आप कुछ कहोगे सर? बठिंडा। आप कुछ कहोगे? हेलो, आप अपना पूरा परिचय दे, नाम पूरा परिचय। हेलो, मैं भोला सिंह, प्रधान सर्विसमैन वेलफेयर यूनियन पंजाब। हेलो,